अक्खा पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? मैं बात कर रही हूँ सूर्यवंशी ट्रेलर के बारे में, तो चलो रिएक्ट करते सूर्यवंशी ट्रेलर पे। पर उसके पहले हेलो एवरीवन, आई एम मुनेल नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरेवाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मुंबई हिंदुस्तान का दिल, और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कई बार से, इसकी शुरुआत हुई थी 1993 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से, फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट और 2008 ताज 26/11। मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बाकी था, और इस वार को रोकने की जिम्मेदारी थी मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड के एक योद्धा की। मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती। आई हैव बीन शॉट। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे। अभी उनका वक्त आया नहीं, जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। में एक टन RDX आया था जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कहीं दफन है। हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत बदली। जैकी शो, अब मैं हिंदुस्तान की किस्मत पलटू। अच्छे बीवी अबू को जिंदा चला दिया उन लोगों ने। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने भी तो सैकड़ों मासूमों की जाने ले ली, उसका क्या? लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपनी बच्ची की जान खतरे में नहीं डालता। इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्योरी शायद सही है, लश्कर का अगला टारगेट मुंबई होगा। सूर्या वो लोग कब आएंगे ये मैं नहीं जानता, पर वो आएंगे जरूर। इस बार आएंगे ना तो देख लेंगे सालों को। क्या करे सर, शिफ्ट कर चले? ये काम एक ही कमीना कर सकता है। ग्राउंड लेवल का धांधली चल रहा है सर। ये लोग 7 गाड़ी में बॉम्ब फिट किए। जिस गोली से तू मरेगा उसके ऊपर ऐसा बड़े में लिखाऊंगा मेड इन इंडिया। अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? मन भवर उठे तरसी है रूठे, जब खबर उठे के आव है सिंघम। गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है, और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो सूर्यवंशी। नईम खान, 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। प्री बुकिंग भी चालू हो गई है और 24 मार्च को आ रही है ये मूवी। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, धुआंदार, सुपर डुपर हिट है। और जितना ट्रेलर, मतलब मुझे लगा भी नहीं है, 4.5 मिनट है नबाव का जो भी ट्रेलर है, मुझे ऐसा फील भी नहीं हुआ कि 4 मिनट तक मैं देख रही हूँ। 1 मिनट मुझे बोर नहीं हुआ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही धुआंदार पिक्चर है। अभी आप बोलोगे टेल मी समथिंग आई डोंट नो, जे मला माहित नाही ते सांगा ना। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग जो वॉइस है अजय देवगन की वॉइस से स्टार्ट
स्टार्ट होता है वहां पे आ जाती है सूर्या की एंट्री हो जाती है। उसके बाद मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड के अक्षय कुमार की एंट्री हो जाती है। और हमने अक्षय कुमार को ऐसे बहुत से मूवीज में देखा है पहले, जैसे कि स्लीपर सेल्स की अगर हम बात करें तो हॉलीडे मूवी में भी हमने देखा है कि हॉलीडे मूवी में भी स्लीपर सेल्स से रिलेटेड थे। और ऐसे टेररिज्म के ऊपर हो या देश के ऊपर ऐसे बहुत सी मूवी हमने देखी अक्षय कुमार में, उसमें कहीं ना कहीं फिर भी मुझे एक्साइटमेंट है इस मूवी को देखने के लिए। कहीं ना कहीं बहुत सी स्टोरी इस मूवी के अंदर हमें समझ में आ रही है, जैसे कि कटरीना कैफ लवर टर्नड वाइफ ऐसा हो सकता है, या फिर शादी के बाद वाले सीन्स है बट पहले लवर और फिर वाइफ हो गए ऐसा हो सकता है, कांट से एनीथिंग। और धमाकेदार मतलब एक अच्छे लुक में दिखाई दी है स्टार्टिंग में एक जगह पे कटरीना कैफ, वो शायद सॉन्ग का लुक हो सकता है, वो एक सॉन्ग थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट बस इतना है कि एक भी सॉन्ग नहीं दिखाया, एक भी नहीं। और तो और सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूँ इस मूवी की वो थी रणवीर सिंह एंड अजय देवगन के एंट्री, क्योंकि मैंने जब सिम्बा देखी थी ना तो सबसे धमाकेदार चीज जो हमें लगी थी वो थी अजय देवगन की एंट्री। और अभी इस मूवी में भी ऑफ कोर्स इन दोनों की एंट्री चार चांद लगाने वाली है। पार्ट वन अगर हम बात करें सिंघम अत्ता माजी सटकली, और फिर अगर हम पार्ट टू की बात करें तो उसमें भी डायलॉग था जे माला माहित नहीं दे सांगा ना, टेल मी समथिंग आई डोंट नो, माइंड इज ब्लोइंग रे बाबा। और वैसे ही धमाकेदार डायलॉग्स मैं देख रही हूँ कि इस मूवी में भी कहीं ना कहीं है। मेरा फेवरेट पर्सनल फेवरेट डायलॉग ये मूवी से है, जिस गोली से तू मरेगा ना उस पे बड़े में लिखा होगा मेड इन इंडिया, एंड आई वाज लाइक यार सीटी बजानी, काश मुझे आती मैं बजा देती सीटी, मुझे इतना ज्यादा पसंद आ गया वो डायलॉग। बात करूं कार्स बाइक्स हेलीकॉप्टर ह्यूज मूवी ह्यूज, अभी स्टोरी कैसे भी अगर वो ट्रेलर में बहुत सी स्टोरी पता चलती भी होगी ना फिर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित शेट्टी है भाई, एक ना एक कुछ तो भी सस्पेंस रखा ही होगा अंदर। फिर मैं बात करूंगी गुलशन ग्रोवर जैकी श्रॉफ, उनकी म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, हाँ कुछ सॉन्ग चला देते कुछ समझ में आता। फिर बात करूंगी सिंघम की जो म्यूजिक है ना मतलब वो एकदम ही डिस्टिंक्ट म्यूजिक, मतलब एकदम ही अलग म्यूजिक बोलने का, जैसे कि उनकी एंट्री होने वाली है ना भाऊ तो लगे समझता है वो जो पिपानी कुछ तो बजती है ना म्यूजिक बैकग्राउंड में लगे समझता है, और वो सिंघम की एंट्री। और दोनों में ऐसे थोड़ी सी दोस्ती काइंड ऑफ लगाई क्योंकि तू तू में बात करते ना वो, तेरे को क्या जरूरत है हमेशा गाड़ी उड़ा के आने की या गाड़ी घुमा, हाँ तेरे को क्या जरूरत है हमेशा गाड़ी घुमा के आने की, या फिर जैसे अजय देवगन बोलता है तेरे को क्या जरूरत है हमेशा हेलीकॉप्टर पे लटकने की। और उस पर थोड़ा सा फनी एक टिंट देने वाला जो है वो है रणवीर सिंह, जो एक हल्का सा टिंट लाने वाला है, मतलब एक मैं बोलूंगी एक स्पार्क लाएगा वो मूवी में एक सीरियस सिचुएशन में भी। तो रणवीर सिंह मुझे कुछ काफी कुछ वैसा कुछ करते हुए दिखाई देंगे इस मूवी में, मुझे ऐसा लग रहा है। अक्षय कुमार के फैमिली या बेटे के ऊपर भी कुछ मुसीबत आने वाली है, इस मूवी विल रिवॉल्व अराउंड द फैमिली एज वेल मुझे ऐसा लग रहा है। और वहां पे थोड़ा सा इमोशनल भी टच मिलने वाला है, थोड़ा सा इमोशनल साइड भी दिखेगा मुझे ऐसा लग रहा है। सूर्यवंशी जैसे कि हम सिम्बा देखने गए थे, मतलब रात के 11 बजे का शो था और पूरे थिएटर में फिर भी पूरा फुल था और सबके सब लोग ये याओ ऐसे इतना जोर जोर से चीयरिंग चालू था। वही मेरे को एक्सपेक्टेशंस है सूर्यवंशी से कि धमाकेदार डायलॉग होने वाला है, बहुत करके बहुत कुछ सुनाई देने वाला है पूरे थिएटर में और धमाकेदार होने वाला है ऐसा मुझे तो लग रहा है। जैसे कि उनकी एंट्रीज हो, हेलीकॉप्टर हो, बाइक हो, कार हो, बहुत सी चीजें हैं यार। डायलॉग्स तो देखो मैंने मेरा फेवरेट डायलॉग आपको बताया ना, वापस एक बार बोलूं क्या, जिस गोली से तू मरेगा ना उस पे बड़े में लिखा होगा मेड इन इंडिया। और तो और अजय देवगन की एंट्री हो या रणवीर सिंह की एंट्री हो, ये जब और अक्षय कुमार, ये तीनों मिलके एकदम ही मतलब ये तीनों मिलके ना आग लगाने वाले हैं थिएटर पे, मैं बता रही हूँ लाइक सीरियसली। और अक्षय कुमार द एक्शन किंग या जो एक्शन जो हीरो है उनके तरफ से उनको इस मूवी में देखना एक बहुत ही बड़ी बात है, जो रोहित शेट्टी के साथ कोलैब होके जो इतनी बड़ी मूवी या ऐसे मूवी में देखना जहाँ पे रोहित शेट्टी हमेशा कार्स वगैरह उड़ाते रहते हैं जैसे इसमें भी उड़ाया है, और धमाकेदार मैं बोल रही हूँ कि ये है क्या बोलते उसको एक्शन सीन, अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी का जो कोलैब है वो तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो कितना awesome आउट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ द वर्ल्ड में बोल रही हूँ कि हो सकता है। और ये मूवी मैं तो देखने जा रही हूँ बॉस, आप लोग भी जरूर देखने जाइएगा, आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो उस मूवी को देखने के लिए। आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा था इस
ट्रेलर में से, और आपको क्या 4 मिनट से ऊपर ट्रेलर है ऐसा लगा भी देखते टाइम, ये भी मुझे आप बता देना कमेंट सेक्शन में, आप किसको देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, कौन से सीन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो ये भी बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं आती हूँ हमेशा ट्रेलर रिव्यू वीडियोस के साथ, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी परत नहीं आले छा, बाय।